और ऐसा है, क्या करें आप। देवास जिले के खातेगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम जामनेर में एक 9 वर्षीय बच्चे की चमकी बुखार के कारण मौत हो गई। बच्चे का उपचार इंदौर के MY अस्पताल में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चमकी बुखार ने प्रवेश कर लिया है। इसकी दस्तक देवास जिले की खातेगांव तहसील में देखने को मिली है। ग्राम जामनेर में 9 वर्षीय बच्चे असलम खान बुखार के कारण बीमार हुआ तो उसके परिजन खातेगांव स्थित सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण पाए। खातेगांव के डॉक्टरों ने बच्चे को हरदा स्थित सरकारी अस्पताल में रेफर किया। परिजन उसे लेकर हरदा पहुंचे, लेकिन वहां के सरकारी अस्पताल ने बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया। इसके कारण परिजनों ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर भी बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद बच्चे को उपचार के लिए इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अस्पताल प्रबंधन ने उक्त बच्चे के उपचार के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके उल्टे प्रारंभ में उसे वेंटिलेटर में रखा था। इसके बाद बच्चे के वेंटिलेटर में होने के बाद भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना उपचार के जबरदस्ती बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया और कहा गया कि उसके अंदर जो लक्षण है वह बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिसके कारण उसे अस्पताल में नहीं रखा जा सकता है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। अच्छा, आपको कैसे पता चला आपके पेशेंट को चमकी बुखार है? जैसे पहले हम यहाँ पे आए थे, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे आए थे खातेगांव में, यहाँ से एम्बुलेंस से हमने हरदा गए। हरदा में चेक किया तो बोले सरकारी ने बोले कि मेरे पास मशीन नहीं है, बोले कि तुम प्राउट में लेके जाओ। हम प्राउट में लेके गए, प्राउट में खून चेक करके बोला कि इसको चमकी बुखार है, बोले कि चमकी बुखार है और तुम बोले कि इंदौर एडमिट करो। तो उसकी हालियत सीरियस थी, बोले कि इसके बोले 10% भी बोले कि इसमें जान नहीं है। तो हमने बोले सोचे कि आप इंदौर ले जाते बोले ज़्यादा कम हो जाएंगे, बोले कि इनको बोले कि घर ले जाओ। हमारे पटेल साहब ने बोले कि यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं, इंदौर लेके चले। देखिए, करीब नौ साल का हमारे पास के गांव जामनेर का बच्चा था। कल रात से उसको बुखार आई थी, सुबह उसको यहाँ लेकर आए थे, यहाँ से उसे हरदा रेफ़र किया गया था। हरदा में उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे इंदौर के लिए रेफ़र किया गया, किंतु वो लोग अनजान की तरह बनकर अपने घर लाकर बच्चों को बैठे हुए थे। इसी बीच सोशल मीडिया पे हमें जानकारी लगी कि इस प्रकार बुखार से एक पीड़ित बच्चा जामनेर में घर पर है। हमें जैसे ही जानकारी लगी, मैंने हमारे वहाँ के नेता भाई मनीष पटेल से संपर्क किया, तो इनके द्वारा बताया गया कि भैया मुझे भी जानकारी लगी है, मैं भी खातेगांव हूँ, तो मैं खातेगांव में था। हम दोनों ने साथ जाके, हमारे साथ में सुनील भाई यादव भी थे, हमने जब वहाँ कर बच्चे की परिस्थिति देखी, तत्काल 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे लेकर यहाँ आए। यहाँ उसका प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया है।